नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है और आप रायबरेली से देख रहे हैं भारत की बात का स्पेशल एडिशन। और मैं रोहित सिंह सावन भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। भारत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव की कौन सी चिंता हो रही है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि सोनिया गांधी की वो कसम क्या है जिसका जिक्र उन्होंने रायबरेली से किया और असर अमेठी तक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात होगी बिहार की, जहां पर आरजेडी ने माई बाप को किनारे कर दिया है और अब पूरा चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की, तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद विभव कुमार पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने मारपीट के अलावा भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता रही है। स्वाति, आप हमेशा दूसरी महिलाओं के लिए बोलती रही हैं, अपने लिए तो कम से कम बोलिए। आपने बड़ी हिम्मत जुटाई है स्वाति, आप स्वाति एक लाइन को स्वाति जी आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? स्वाति, स्वाति पैर में क्या हुआ? स्वाति एक लाइन तो बोलिए कम से कम जो आपके साथ हुआ। स्वाति कदम दर कदम आगे बढ़ती स्वाति मालीवाल से सवाल पर सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 35 सेकंड तक सवाल यूं ही पूछे जाते रहे, लेकिन स्वाति मालीवाल चुप रही। ऐसा लगा जैसे पैर में कुछ तकलीफ हो, चलने में दिक्कतें आ रही हों। सवाल इस पर भी किए गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा मजिस्ट्रेट के सामने कहा। स्वाति जी, FIR के मुताबिक 13 मई को स्वाति मालीवाल केजरीवाल के सरकारी आवास में उनसे मिलने गई थी। स्वाति के मुताबिक उन्हें ड्राइंग रूम में इंतजार करने को कहा गया था। ये भी बताया गया था कि अभी सीएम मिलने आएंगे, लेकिन सुबह 9 बजे उन पर सीएम के पूर्व पीए विभव ने बिना उकसावे के हमला कर दिया। स्वाति के मुताबिक अचानक विभव यहाँ पहुँचे और गालियाँ देने लगे, जब विरोध किया तो 7 से 8 थप्पड़ मारे। स्वाति के मुताबिक वो मदद के लिए चीखती रही, लेकिन विभव ने छाती, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विभव की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस केजरीवाल के पूर्व पीए के घर पहुंची, लेकिन वो नहीं मिले। विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस भेजा था, शुक्रवार को पेश होना था, लेकिन नहीं पहुंचे। हम इंक्वायरी टीम भेजेंगे उनके घर पर और वो इंक्वायरी टीम वहाँ पे तब तक रहेगी जब तक वो नोटिस नहीं दे जवाब नहीं देते हैं। तो मैम, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल विभव को, क्योंकि उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री? प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में स्वाति सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। सामने सीएम ऑफिस के कुछ स्टाफ मौजूद दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 13 मई को घटना के ठीक बाद का है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया है, लेकिन वीडियो किसने बनाया और ये कुछ सेकेंड का ही क्यों है और कहीं ये डॉक्टर तो नहीं, इन तमाम बातों की जाँच पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक FIR के बाद जांच हर तरफ से ओपन होती है। इस घटना में शामिल हर शख्स की भूमिका की जांच होगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान भी दर्ज कर सकती है। इस मामले ने अब सियासी तपिश को और भी बढ़ा दिया है। इंडी गठबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं पर अपराध अत्याचार करने वालों का संरक्षण देना जरूरी है? केजरीवाल की पार्टी महिलाओं का असम्मान करती है और इसलिए दिल्ली नहीं, देश की जनता इस पार्टी को माफ नहीं करेगी। इस बीच स्वाति मालीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी में सब ठीक नहीं। स्वाति ने एक्स पर लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे के सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से सीएम आवास के वायरल वीडियो का लिंक पोस्ट किया गया, साथ में लिखा गया स्वाति मालीवाल का सच। स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई उस पर हर कोई अरविंद केजरीवाल का बयान जानना चाहता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, जमकर बीजेपी पर बरस भी रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर वो चुप है। अरविंद केजरीवाल आजकल पंजाब और महाराष्ट्र के दौरे पर है। पंजाब वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सीधे सीधे कांग्रेस से लड़ाई है, लेकिन यहां पर वो कांग्रेस के बजाय सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। तिहाड़ से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल चुनावी रैलियों में जा रहे हैं और जनता को आप बीती सुना रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में सुनाया गया केजरीवाल का किस्सा सुनिए। जिस जेल के सेल में था उस सेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दो कैमरे 24 घंटे, मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी, पीएमओ में भी दो टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं वहां के लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता से गई तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अमृतसर में केजरीवाल ने कहा कि जब 4 जून को वो जेल में टीवी देख रहे होंगे तो उन्हें इंडिया गठबंधन की जीत देखकर सुकून मिलेगा। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है, 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा, 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से है, लेकिन इसे दिल्ली वाली मजबूरी ही कहेंगे कि केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बल्कि जिस संविधान वाले मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जो तानाशाही चल रही है हमारे देश के अंदर ये मंजूर नहीं है। इस तरह का दौर 75 साल में भारत ने नहीं देखा। जैसे वो रशिया के अंदर पुतिन, उसने सारे विपक्ष के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, सबको डाल दो जेल में, एक ही पार्टी बनेगी बचेगी, एक ही नेता बचेगा, जनतंत्र तो नहीं बचेगा। मैं पूरी तरह से संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से लगा हुआ हूं देश को बचाने के लिए। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो दिल्ली तक हलचल तेज होगी। उधर बीजेपी के बड़े नेता केजरीवाल को अभी भी शराब घोटाले पर घेर रहे हैं। जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आ रहे होंगे तो उनकी खुशी या गम मनाने के लिए केजरीवाल तिहाड़ में ही कैद रहेंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट की, उस रायबरेली की, जिस रायबरेली में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज रायबरेली में दिग्गजों का जमावड़ा रहा। एक तरफ अमित शाह थे जो कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और कांग्रेस के हार की भविष्यवाणी भी कर दी, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक संयुक्त रैली की और इस रैली में जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से कुछ खास कहा। क्या कुछ सोनिया ने कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट।
इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव। अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं, और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आपका हूँ, अमेठी का हूँ, था और रहूंगा। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी इस बार अमेठी और रायबरेली में एक मंच पर नजर आई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर 9-2-11 वाला तंज कसा, तो राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को फिर से घेरा। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक आपसे छीन लिए जाएंगे। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग, और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। रैली से पहले दोनों नेता अमेठी के नंद महर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। ये वही मंदिर है जहां राजीव गांधी और मुलायम सिंह यादव भी जाकर आशीर्वाद लिया करते थे और उसके बाद ही प्रचार की शुरुआत किया करते थे। राहुल गांधी ने अमेठी के मंच से पारिवारिक रिश्ता जोड़ा और ये भी कहा कि जो वो रायबरेली के लिए करेंगे वही अमेठी के लिए भी होगा। जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी, और वही मेरी भी राजनीति है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। राहुल अमेठी से अपनी यादें साझा कर रहे थे तो अखिलेश यादव को वो सारस याद आ गया जो विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में था। अखिलेश ने सारस का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला कर दिया। एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी, बताओ उसे पकड़ करके ले गई कि नहीं ले गए ये लोग। इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी। राहुल और अखिलेश ने अमेठी रायबरेली से बीजेपी को घेरा तो अमित शाह ने रायबरेली से राम मंदिर का मुद्दा उठाया और इंडिया गठबंधन के नेताओं से सवाल किया। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। 2019 में अमेठी जीतने के बाद बीजेपी की कोशिश रायबरेली में भी कमल खिलाने की है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। अब मनोज पांडे के बीजेपी में आने से 2024 का नतीजा कितना बदलेगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेता भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हार का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का नाम जरूर उछाला, लेकिन इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली में थे। इस रैली में पीएम ने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के लिए नाम सुनते ही समाजवादी पार्टी के शहजादे का दिल टूट गया। सदस्य नहीं चुन रहे हैं, और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं।
भूपेश बघेल जी ने रायबरेली में जो बयान दिया है उस पर आप मुहर लगा रहे हैं। देखिए, आंतरिक भावना तो मेरी भी वही है, आंतरिक भावना तो मेरी भी वही है। बीच चुनाव में कांग्रेस के नेताओं का राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री प्रेम जागा तो पीएम मोदी ने इशारों इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कस दिया। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये सुनते ही समाजवादी साहजादे का दिल ही टूट गया। जिस दिन इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी उसी दिन ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन चार चरण का चुनाव बीतते ही कांग्रेस के कई नेता सियासी उत्तेजना के शिकार होने लगे। नतीजा ये हुआ कि भूपेश बघेल की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल बनकर पहुंच गई और अखिलेश कुछ भी बोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दिए। हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। बात करेंगे बिहार की, जहां पर आरजेडी के पोस्टर बैनर से लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब है। पूरे बिहार में ये चर्चा है कि आखिरकार ऐसा क्यों। दरअसल आरजेडी की रणनीति भले ही लालू प्रसाद यादव तय कर रहे हो, लेकिन आरजेडी ये चाहती है कि चेहरा तेजस्वी यादव रहे और तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के उस कार्यकाल को लोगों के बीच में रख रहे हैं जब वो डेप्यूटी सीएम थे, और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में लोगों को रोजगार दिया। लालूवाद विचारधारा तो तेजस्वी यादव मानते हैं, हर एक चुनावी सभा में यह जरूर कहते हैं कि लालू जी ने संदेशा भेजा है, लेकिन लालू जी और राबड़ी जी को राजनैतिक रूप से नजरबंद कर देते हैं। लालू जी से राजनैतिक घृणा करना, बाहर में एक स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन सच यह है कि लालूवाद का आनंद जरूर ले रहे हैं। राबड़ी देवी और लालू यादव को फ्लोरिश करें, ले जाएं चुनाव में माँ बाप को, तो पता चलेगा कि उनके 15 साल और 20 साल का इतिहास क्या रहा है। गुंडा राज था, जो रोज किडनैपिंग उद्योग चल रहा था उसके बारे में भी देना चाहिए। वैसे जनता सब समझती है, इन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है और रिजेक्ट कर रही है। हालांकि आरजेडी इन आरोपों को सिरे से नकार रही है। पार्टी की माने तो एनडीए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहा है जिससे ध्यान भटकाया जा सके। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही है। तेजस्वी यादव जी को जनता का विश्वास और समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, तब ये पोस्टर में उलझ कर रह गए हैं। ये पोस्टर की सियासत, इवेंट मैनेजमेंट की सियासत ये लोग बीजेपी लोग करते हैं। अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था, काहे हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे।